ready for any. पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्यों नहीं पहुंच पाया, जिम्मेदार कौन है? बोल के माइक पर शहरियों ने अपनी अपनी राय दी, आइए देखते हैं। टीम ने परफॉर्मेंस उस तरह नहीं दिखा रही जिस तरह हम सोच रहे थे, स्पेशली बॉलर्स का, तो हम एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा रख के आए हुए थे। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही इस बार, इसकी असल जो जिम्मेदारान है वो चीफ सेलेक्टर पर जाता है। बैटिंग के अंदर भी जो है वो हम यहाँ जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट थी, यहाँ इन पिचेस पर, इंडियन पिचेस के ऊपर जिस तरह के प्लेयर जाने चाहिए थे उस तरह से नहीं ले गए गए। जो खेलने वाले लड़के हैं उनको आपने बाहर कर दिया गया, इस टीम में कब से खराबी है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। ये हमेशा जो है इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहती है एडवर्टाइजमेंट में, कौम एक अपनी जो है नजरें इनके ऊपर लगा के रखती है कि ये अपने वतन के लिए कोई मेडल लेकर आएंगे, कोई कप लेकर आएंगे। जो लड़के इन लोगों ने सेलेक्ट किए हैं उसकी वजूहत भी होती है, एक नाकिस कारकर्दगी है, जो खिलाड़ी खेल नहीं पाते तो उनको बाहर किया जाए। खेल के तीनों शोबों में, बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग, तीनों में तसलसल नज़र नहीं आ रहा था। पाकिस्तानी एक तो टीम जो है ना उसमें इत्तफाक वगैरह नहीं है, दूसरा ये कि इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम की मैनेजमेंट जो है ना उनका फॉल्ट है। जिस दिन टीम से सियासत निकल जाएगी ना उस दिन टीम हमारी जो है ना सही ट्रैक पे आ जाएगी। इंटरनेशनल लेवल ही नहीं है तो वो किस तरह ये उन तक पहुँच सकती है वो।